बिल्कुल शिल्पा, देखिए आप इस वक्त जो अगला कार्यक्रम हो रहा है वो इस बात का है कि आप सेना प्रमुख आप उन युवाओं को सम्मानित करने जा रहे हैं जिन्होंने ट्रेनिंग के दौरान बेहतर प्रदर्शन किया था और बेहतर तरीके से प्रशिक्षण लिया भी है। तो ये उसी पल का सबको इंतजार रहता है कि आखिर में इस ट्रेनिंग में सबसे एक्सीलेंट परफॉर्मेंस किसकी रही है, तो वो देखने को मिल रही है। तो अब इस समय आर्मी के जो ऑफिसर्स हैं उनकी मौजूदगी में उन्हें सम्मानित किया जाएगा। और आपको ये बता दें कि चूँकि भारतीय सैन्य अकादमी जो देहरादून की है उसका एक गौरवशाली इतिहास रहा है, अभी तक अगर देखें तो ट्रेनिंग के हिसाब से तकरीबन 64,000 से अधिक यहाँ से युवा ऑफिसर देश विदेश के मित्र देशों के जो हैं वो पास आउट होकर के गए हैं। आज भी उसी कड़ी में एक फिर से एक नया चैप्टर जुड़ रहा है और वो सेना के प्रमुख की मौजूदगी में ये पासिंग आउट परेड संपन्न हो रही है। तो ये सबसे ऐतिहासिक पल भी रहता है, गौरव का भी पल रहता है। और जब सभी कैडेट्स के अभिभावक और उनके शुभचिंतक के साथ ऑफिसर की मौजूदगी में उन्हें सम्मानित किया जाता है, ट्रेनिंग में किस तरह से उन्होंने बेहतर प्रदर्शन किया है, अनुशासन का उन्होंने परिचय दिया है, तो ये वो पल है जिसका सभी को इंतजार रहता है देखने का कि आखिर में आर्मी का जो मेडल्स है वो किसी ट्रेनिंग के दौरान अच्छा प्रदर्शन करने वालों को दिया जा रहा है। दूसरी सबसे बड़ी बात रहेगी कि अभी जब थोड़ी देर के बाद सेना प्रमुख युवा ऑफिसर्स को इनको संबोधित करेंगे तो वो जोश और जज्बात भी देखने को मिलेगा कि आखिर किस तरह से आगे सेना की स्ट्रेटजी है, प्लानिंग से और युवाओं के लिए आकर्षण क्या हो सकता है उनके संबोधन में। तो ये आप इसमें देख सकते हैं कि इस समय अब उनको फिलहाल सम्मानित किया जा रहा है। अफीफा आपको बता दें कि आज देहरादून के भारतीय सैन्य अकादमी का जो अभी तक का रिकॉर्ड है वो बहुत ही अच्छा रिकॉर्ड रहा है कि यहाँ के कई देशों के ऐसे कैडेट्स पास आउट होके गए हैं जो विदेशों में उन्होंने जनरल के तौर पर सेना प्रमुख के तौर पर काम किया है। मित्र देशों में अक्सर देखने को मिला, चाहे वो श्रीलंका हो, नेपाल हो, या भूटान हो, या अफगानिस्तान हो, इन देशों के भारी संख्या में जो यहाँ पर प्रशिक्षण के लिए कैडेट्स आते हैं उनको प्रशिक्षण दिया जाता है। और यहाँ तक कि साउथ अफ्रीका की कई ऐसी देश है जिसके डिवाइस में शामिल होंगे। तो ये प्रशिक्षण के तौर पर भारतीय सैन्य अकादमी देहरादून आईए में बहुत ही एक्सेलेंट रिकॉर्ड के साथ में इसी तरह से आगे बढ़ रही है। 1932 में इसकी स्थापना हुई थी, इसे लेकर के अभी तक 64,000 से अधिक युवा ऑफिसर देश की सेना को समर्पित कर चुकी है। तो प्रशिक्षण का जो रिकॉर्ड है वो तो एक्सीलेंट है ही है। दूसरी तरफ अब जो कार्यक्रम है वो सीधे दर्शक तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं कि चाहे वो गोल्ड मेडल है, सिल्वर मेडल है, ब्रॉन्ज मेडल है, वो सभी जेंटलमैन कैडेट्स को दिया जा रहा है। सेना प्रमुख खुद उनको सम्मानित कर रहे हैं, उनको प्रदान कर रहे हैं। अगले कार्यक्रम के बारे में दर्शकों को जरूर बताएं कि जब अभी संबोधन होगा, संबोधन के बाद हेलीकॉप्टर के से फूलों की बारिश होती है। पहली बार जब हेलीकॉप्टर आते हैं तो फूलों की बारिश करते हैं, तीन भारतीय सेना के हेलीकॉप्टर आते हैं और इसी के बाद में तीनों हेलीकॉप्टर थोड़ी देर के बाद फिर यहाँ पे देखने को मिलेंगे कि जब भारतीय सेना के फ्लैग के साथ में वो आएंगे। तो ये बहुत ही कहें कि युवाओं को प्रेरणा देने का, उत्साह देने का ये पल रहता है जब जो सेना में आना चाहते हैं किस तरह से वो अनुशासन के साथ में भारतीय सेना में शामिल होना चाहते हैं, उनको भी एक इंस्पिरेशन मिलती है, मोटिवेशन मिलता है और बेहतर तरीके से वो भी अपना भविष्य बना सकते हैं। तो भारतीय सैन्य अकादमी इसी तरह से जो युवा देश को अपनी सर्विस देना चाहते हैं भारतीय सेना में जुड़ करके, उनको हमेशा से आकर्षित करती रही है और आज भी भारतीय सेना युवाओं के आकर्षण का एक केंद्र तो है ही। तो इस तरह से आप देखेंगे अब थोड़ी ही देर में भारतीय सेना के जनरल मनोज पांडे का संबोधन शुरू होने जा रहा है और इसके बाद ये पता चलेगा कि आखिर में आज युवाओं को किस तरह से उन्होंने मोटिवेट किया है और अपने संबोधन में किस तरह से युवाओं को
उन्होंने संदेश दिया है। लेकिन इतना जरूर कह सकते हैं कि भारतीय सेना का जो पराक्रम का, शौर्य का और गौरव का इतिहास है, उसको आज यहाँ पर बिल्कुल जीवंत रूप में देखने को मिल रहा है कि कितने अनुशासन और कितने बेल्ट फ्रेंड मैनर से सभी जेंटलमैन कैडेट्स यहाँ पर सलामी ले रहे हैं और संबोधन का फिलहाल अब इंतजार हो रहा है। तो अब वो क्षण है जब भारतीय सेना के प्रमुख जनरल मनोज पांडे संबोधन शुरू हो रहा है। जी तो बिल्कुल तस्वीरें लगातार हम दिखा रहे हैं रामानुज, अभी फिलहाल के लिए शुक्रिया, लेकिन आगे भी लगातार आपसे जुड़ेंगे और अपडेट लेंगे क्योंकि तस्वीरें बेहद खास है और क्योंकि 373 ऐसे जाबाज हैं जो आज इस पासिंग आउट परेड में शामिल है और सेना प्रमुख क्या कुछ कहते हैं इस पर भी हम लगातार आपको ये तस्वीरें और अपडेट भी बताते रहेंगे।